वेलकम फ्रेंड्स, आई हैव स्टार्टेड अ वीडियो सीरीज ऑन इंडियन फिलोसफी फॉर सीजीपीएससी प्रीलिम्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हिट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। आई हैव गिवन अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट हिट्रोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इन माई फर्स्ट वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो, क्लिक ऑन द आई बटन। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं सीजीपीएससी प्री के स्टडी के लिए। उन 5 स्टेप को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, और उन्हीं 5 स्टेप से मैं ये वीडियो समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप को समझते हैं। तो ये सिलेबस है इंडियन फिलोसफी का। आज मैं आपको हिट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी बताने वाला हूँ। तो उसमें 3 आते हैं, फिलोसफी ऑफ चार्वाक, फिलोसफी ऑफ जैन और फिलोसफी ऑफ बुद्ध। तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर चीज नहीं बताऊंगा। आपको मैं वो पॉइंट बताऊंगा जो कि सीजीपीएससी प्री में पूछे जा सकते हैं। और आपको इस सिलेबस को भी याद रखना है। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पाएंगे कि आपको अगर सिलेबस याद रहा तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। तो हम पहुंचते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है रीड थोरोली। तो अब हम सबसे पहले चार्वाक फिलोसफी जानेंगे। तो ये है ऑल्सो नोन एज लोकायत। तो लोकायत का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में जो जो भी रिलेटेड है उस पर कुछ कुछ आइडिया दिया गया है, वो चार्वाक फिलोसफी में दिया गया है। उसके बाद अगला है इट्स फाउंडर वॉज चार्वाक, ऑथर ऑफ द बृहस्पति सूत्र। तो एक पॉपुलर ओपिनियन है कि जो चार्वाक है वो चार्वाक फिलोसफी के फाउंडर हैं, जो कि ऑथर ऑफ बृहस्पति सूत्र हैं। एक और ओपिनियन है जिसमें माना जाता है कि बृहस्पति जो कि एक ऋषि हैं वो चार्वाक के फाउंडर हैं। फिर अगला है इट इज अ मटेरियलिस्टिक एंड एथेस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो मटेरियलिस्टिक मतलब होता है जो कि वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वर्ल्ड में जो जो भी चीजें हैं उन सब चीजों से हमें प्लेजर लेना है, वो एक थॉट होता है, वो चार्वाक द्वारा माना जाता है। और एथिस्टिक मतलब होता है जो हमारी आंखों को पसंद आए, तो वो चीज भी चार्वाक फिलोसफी में आता है। फिर हमारे सिलेबस में पहला चीज है चार्वाक फिलोसफी में एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। तो चार्वाक के हिसाब से नॉलेज क्या होता है ये जानते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन एज द ओनली मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड एक्सेप्टिंग एनी ट्रूथ। तो चार्वाक के हिसाब से डायरेक्ट परसेप्शन ही नॉलेज है। जो हमें सीधी दिख रही है, डायरेक्ट दिख रही है, वही चीज नॉलेज है चार्वाक फिलोसफी के हिसाब से। फिर सेकेंड चीज है सिलेबस में मेटाफिजिक्स। तो इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट चीज है व्हाट कैन नॉट बी परसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द सेंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो चार्वाक फिलोसफी का मानना है जो चीजें हमें सेंस द्वारा पता चलती हैं वही एग्जिस्ट करती हैं, और जो हमें सेंस द्वारा पता नहीं चलती है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो जैसे कि ब्रह्म है और आत्मा है, ये सेंस द्वारा हमें पता नहीं चलती है, तो चार्वाक फिलोसफी के अनुसार ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए भी चार्वाक फिलोसफी हिट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के अंदर आता है। अगला चीज है ऑल दैट एग्जिस्ट आर ऑब्जर्वेबल एलिमेंट्स ऑफ एयर अर्थ फायर एंड वाटर। तो जो जो भी मैटर है इस वर्ल्ड में चार्वाक फिलोसफी के हिसाब से वो 4 एलिमेंट से बने हैं। वो 4 एलिमेंट है एयर अर्थ फायर और वाटर। फिर अगला चीज है चार्वाक फिलोसफी में हेडोनिज्म। तो इसको जानते हैं द अल्टीमेट गुड इन द लाइफ इज प्लेजर, द ओनली इविल इज पेन। सेकेंड है परसुइंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन इज द सोल पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हेडोनिज्म का मतलब ही समथिंग रिलेटेड टू प्लेजर होता है। तो चार्वाक फिलोसफी के हिसाब से जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का वो प्लेजर होना चाहिए, हमें प्लेजर प्राप्त करना चाहिए, प्लेजर को अचीव करना चाहिए, और हमें पेन से दूर रहना चाहिए, जो दर्द है उससे दूर रहना चाहिए। चार्वाक दर्शन चार्वाक फिलोसफी का मानना है। तो ये था चार्वाक फिलोसफी का मेन गोल, तो ये प्लेजर है। चार्वाक फिलोसफी में एक चीज और कही गई है कि अगर हमको प्लेजर के लिए अगर कोई चीज बोरो करनी पड़े, उधार लेना पड़े, तो हमें ले लेना चाहिए, ये चार्वाक फिलोसफी का मानना है। अब हिट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ जैन। इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बाय 6th सेंचुरी BC। तो ये पहले भी एग्जिस्टेंस में था।
फिर नेक्स्ट है रिवाइव्ड बाय महावीर द 24th जैन तीर्थंकर। तो जो महावीर है 24th जैन तीर्थंकर हुए, उन्होंने जैन फिलोसफी को फिर से रिवाइव किया। फिर नेक्स्ट है निवारण और लिबरेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू थ्री जेवल्स, राइट डिवोशन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, थ्री रत्न। तो जैन फिलोसफी का मानना है कि हमें लाइफ से जब लिबरेशन पाना है तो हमें तीन चीजें फॉलो करनी होती है। उन तीन चीजों को त्रिरत्न बोलते हैं, और ये क्या है? ये है राइट डिवोशन, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। फिर नेक्स्ट है जो हमारे सिलेबस में है, वो है नेचर ऑफ जीव। तो इसके बारे में जानते हैं, सोल सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी दैट हाउसेस। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टराइज बाई चेतना, कॉन्सियसनेस एंड उपयोग, नॉलेज एंड परसेप्शन, सोल एक्सपीरियंस बोथ बर्थ एंड डेथ, इट इज नाइदर रियली डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, डिसअपियरिंग ऑफ वन स्टेट ऑफ सोल एंड अपियरेंस ऑफ अनदर स्टेट। तो जीव का मतलब सोल होता है, आत्मा होता है, और ये जो होता है सोल होता है जैन फिलोसफी के हिसाब से जिस बॉडी में रहता है उससे अलग होता है, और ये जो है कॉन्सियसनेस और नॉलेज और परसेप्शन से कैरेक्टराइज रहता है, कि एक जो जीव है, आत्मा है, उसमें कॉन्सियसनेस होगा, नॉलेज होगा और परसेप्शन होगा। फिर अगला है सोल एक्सपीरियंस बोथ बर्थ एंड डेथ। तो ये सोल जो होता है वो बर्थ और डेथ दोनों के एक्सपीरियंस करता है, लेकिन ये कभी ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, और ये जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है। ये जैन फिलोसफी का मानना है। फिर नेक्स्ट है अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद का क्या मीनिंग है ये समझते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्लुरलिज्म एंड मल्टीसिप्लिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, ट्रूथ एंड रियलिटी आर परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अनेकांतवाद का प्रिंसिपल जो है वो है प्लुरलिज्म, मतलब अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं एक ही ट्रूथ को लेके। तो कोई भी बात है, कोई भी ट्रूथ है, उसके अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी एलिफेंट और सिक्स ब्लाइंड मैन की। तो उसमें था कि जो ब्लाइंड मैन है वो हाथी को जाते हैं और अलग अलग उसके पार्ट को टच करते हैं और अलग अलग हिसाब से उस एलिफेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबका अलग अलग व्यू रहता है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं मिलता है कि उसका शेप कैसा है एलिफेंट का। तो वही अनेकांतवाद है, कोई भी जो व्यू है उसके अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। यह है अनेकांतवाद। फिर नेक्स्ट है स्यादवाद। तो ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल होल्डिंग गुड्स ओनली इन सर्टेन कंडीशन सर्कमटेंसेस और सेंसेस। तो इसका भी अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ है कि अलग अलग जजमेंट जो होगा वो कंडीशनल होगा, कंडीशन के ऊपर ही आदमी को अपना जजमेंट लेना है। फिर नेक्स्ट है पंच महाव्रत। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, जब अगर कोई डिसाइपल यूज करे तो उसको अनुव्रत बोलते हैं, और अगर कोई टीचर यूज करे तो उसे महाव्रत बोलते हैं। तो पंच महाव्रत में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट है सत्य, नॉट टू लाई, सेकेंड है अहिंसा, नॉट टू इंजर, थर्ड है अस्तेय, नॉट टू स्टील, फोर्थ है अपरिग्रह, नॉट टू स्ट्राइव फॉर लग्जरी, और फिफ्थ वन है ब्रह्मचर्य, नॉट टू स्ट्राइव फॉर पोसेशन। ये आप समझ गए होंगे जो मैंने बोला उसी से ही। तो ये आपको याद रखना है कि पंच महाव्रत में क्या क्या है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड वन में, जो कि है फिलोसफी ऑफ बुद्ध। तो सबसे पहले जानते हैं फोर नोबेल ट्रूथ इन बुद्धनिज्म आर द फॉलोइंग, सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ सफरिंग, वे टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो इसको समझते हैं। तो सफरिंग का पहला मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सफरिंग है, वर्ल्ड में सफरिंग ही है। और सेकेंड है कॉज ऑफ सफरिंग। तो कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? जो आदमियों के विश होते हैं और जो जो उनके ग्रीड होते हैं वही सफरिंग को लाते हैं। फिर थर्ड है कि कैसे सफरिंग से बचा जा सकता है। तो इसका अलग 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 पाथ है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो हमें इन सफरिंग से बचना है। और फोर्थ वन है कि वे टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो उन्हीं जो एट फोल्ड पाथ है उसी को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो बुद्ध फिलोसफी में भी त्रिरत्न है, तीन ज्वेल्स है। वो क्या है वो जानते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा आपको, यही चीजें बस याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है प्रत्यात समुत्पाद। तो इसका मीनिंग क्या है? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और डिपेंडेंट अराइजिंग और कॉज एंड इफेक्ट। तो हर चीज जो है इस वर्ल्ड में
उसका कोई कॉज होगा और इफेक्ट होगा, और हर चीज का जो ओरिजिन होगा वो डिपेंडेंट होगा। कोई कोई भी चीज पहले से अपने आप नहीं होगी, हर चीज का ओरिजिन किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट होगा, यह जो है प्रत्येक समुत्पाद बताता है। फिर नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग। तो मैंने अभी बताया कि हम सफरिंग से कैसे बच सकते हैं, तो उसका एट फोल्ड पाथ है, ये आपको याद रखना है, ये आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है राइट फेथ दृष्टि, फिर सेकंड है रिजॉल्व संकल्प, फिर है स्पीच वाक्य, फिर है एक्शन कर्म, फिर है लिविंग अजीव, फिर है थॉट स्मृति, फिर है कंसंट्रेशन समाधि, फिर है एफर्ट व्यायाम। तो यह है एट फोल्ड पाथ, इससे जो है लिबरेशन पाया जा सकता है बुद्ध फिलोसफी के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है अनात्मवाद। तो जो बुद्ध फिलोसफी है उसमें एक अनात्मवाद है, उसको जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ, देयर इज नो अनचेंजिंग परमानेंट सेल्फ सोल और एसेंस इन फिनोमेना। तो बुद्ध फिलोसफी का मानना है कि कोई भी नॉन सेल्फ नहीं है, क्या बोलते हैं, इस वर्ल्ड में ना इसमें सोल है, मतलब आत्मा नहीं है, ये बुद्ध फिलोसफी का मानना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं क्षणिकवाद। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मोमेंटरी एंड मोर्टल, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो बुद्ध फिलोसफी का मानना है कि जो जो भी इस वर्ल्ड में है वो कुछ ही मोमेंट के लिए है और ये मोर्टल है, मतलब ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये क्षणिकवाद का मतलब है। तो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, आपको इसको याद रखना है, आपको हर चीज डिटेल में नहीं जानना है सीजीपीएससी प्री के लिए, आपको डिटेल में जानना है तो आपको सीजीपीएससी मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करना होगा, वहां आपको डिटेल में हर चीज पढ़ना है। तो तीन स्टेप हो गया, चौथा स्टेप है नोट्स बनाना। तो ये पॉइंट वाइज है, आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं, और भी नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं पांचवें स्टेप पे, सॉल्व क्वेश्चन। तो 2012 का क्वेश्चन देखते हैं, टू विच रिलीजन इज द टर्म अनुव्रत इज रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया इसका आंसर है जैनिज्म। फिर 2013 है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, तो इसका आंसर है ऋषभदेव। मैं जो नेम ऑफ तीर्थंकर है अपने नोट्स में दे दूंगा। फिर 2015 का क्वेश्चन था, समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी, तो इसका राइट आंसर है जैन फिलोसफी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू चार्वाक, तो इसका आंसर है काम। काम मतलब होता है प्लेजर, तो मैंने अभी आपको बताया था। फिर क्वेश्चन है, विच फिलोसफी एक्सेप्ट त्रिरत्न, तो इसका आंसर है बुद्धिज्म। फिर उसके बाद है, हु हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीज, तो इसका राइट आंसर है बुद्ध। फिर उसके बाद है अनात्मवाद नो सेल्फ इज डॉक्ट्रिन ऑफ, यह भी बताया मैंने आपको, आंसर है बुद्धिज्म। फिर आते हैं, हु एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन, तो ये भी आपने स्टार्टिंग में जाना, आंसर है चार्वाक। फिर स्यादवाद इज रिलेटेड टू जैन, ये भी आप जान रहे हैं। फिर विच इज द कॉल्ड लोकायत दर्शन, तो इसका आंसर है चार्वाक। तो ये था वीडियो हिट्रोडॉक्स फिलोसफी के ऊपर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।